Nico. Ertuğrul Bey. दूसरी जानिब अर्तुल जोर्गो से सच उगलवाने की कोशिश में है। अर्तुल कहता है, मैं सब कुछ जानता हूं कि आरिस ने मेरे लिए फंदा लगाया और मेरे सिपाहियों को मारा। फिर जब इसे पता चला कि मैं जिंदा हूं, तो इसने तुम्हें मेरे पीछे भेजा। तुम ही हो वो जो हमारे हाथों से निकलकर इसके पास गए। जोर्गो कहता है, तो फिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? अर्तुल कहता है कि तुम जो भी जानते हो मुझे बताओगे। जोर्गो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। अर्तुल कहता है, बोलो ताकि तुम तकलीफें झेले बगैर मर सको। इसके बाद बम्सी उसे फांसी पर लटका देता है। जोर्गो कहता है, सब कुछ रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अर्तुल कहता है, आरिस जब इसने मुझे और मेरे सिपाहियों पर हमला किया था, तो क्या तुम भी इनमें से थे? इसे कैसे पता चला कि मैं महाज पर जा रहा हूँ? जोर्गो कहता है, एक रात पहले हमें इसका पैगाम मिला था। इसने हमें डाकुओं के कपड़े पहनने का कहा। जब मैंने आरिस को देखा तो इसने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। इसने कहा कि हम आपको मारने जा रहे हैं। आर्तुक आगे बढ़ता है और कहता है, हजूर जैसे ही सुल्तान ने महाज का इरादा किया, आरिस को फौरन इसकी खबर मिल गई। अर्तुल जोर्गो से कहता है, आरिस को किसने बताया कि हम मुहिम पर जा रहे हैं? जोर्गो कहता है, कसम से मुझे नहीं पता। जोर्गो कहता है, इन दिनों एक्टरीना इसके साथ थी। इन दोनों को पूरा यकीन था कि आप मर जाएंगे और वो खुशी से कह कह लगा रहे थे। तुर्गुत कहता है कि एक्टरीना ने आपसे ओराल का बदला लेने की कसम खाई थी। अतसीज कहता है कि इसका मतलब है कि वो भी इसमें मुलव्विस है। उसे ये किसने बताया? अर्तुल कहता है, कोई जो सुल्तान के करीब हो और जो ये जानता हो कि हम मुहिम पर जा रहे हैं, उस पर शक किया जा सकता है। अर्तुक कहता है, हजूर अमीर सादतीन भी वहाँ था। अर्तुल कहता है, मेरी नजर में अमीर सादतीन मशकूक है। दूसरी जानिब अर्तुल जोर्गो से कहता है, जब तुम हमसे भाग गए और कले गए, तो तुम्हारी आरिस से क्या बात हुई?
योर्गो कहता है कि वो बहुत गुस्से में था क्योंकि आपने इनका बाजार का मुआयदा बर्बाद किया। इसने बाजार में तिजारत खत्म करने और आपको बर्बाद करने का अहद किया है। निका से एक ताजिर आ रहा है, उसने मुझे इसे बाहिफाजत कले लाने के लिए भेजा है। निको अर्तुल कहता है कि इस ताजिर की कब तक तवक्का है आने की। योर्गो कहता है कि वो कुछ दिन तक पहुंच जाएगा। आर्तुक अर्तुल से कहता है कि हजूर, इस सौदेबाजी का एक जुज्व ये भी था कि अमीर सादतीन इस पर मुत्तफिक था कि फरंगियों से तिजारत की बेहतरी के लिए एक ताजिर आना चाहिए, शायद ये वही है। अर्तुल कहता है कि एक बार फिर अमीर सादतीन। अर्तुल मजीद कहता है कि बहादुर को बाजार खरीदने लाने से पहले यकीनन इसने आर्य से सौदेबाजी की थी। तुर्गुत कहता है कि बहादुर को यहाँ लाने वाला और इसे आलियार साहब के खेमे की लालच देने वाला वही है। बमसी कहता है कि हर पत्थर के नीचे से अमीर सादतीन नमोदार होता जा रहा है। भाई अब इसे पत्थर से इसका सर कुचलने का वक्त है। योर्गो कहता है कि मैं जो जानता था मैंने सब बता दिया, मुझे जिंदा रहने दें। अर्तुल कहता है कि बमसी जो जरूरी हो करो। आर्तुक अर्तुल से कहता है, हजूर हमें जो पता चला क्या आप सुल्तान को इसकी इतला देंगे? अर्तुल कहता है, मैं इन्हें इतला दूंगा आर्तुक साहब, सुल्तान को पता होना चाहिए कि अमीर सादतीन एक गद्दार है। इसके बाद अर्तुल अक्सी से कहता है, ताखिर किए बगैर कले वापस जाओ, मैं तुम्हारी मालूमात का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी जानिब अमीर सादतीन एक संदूक की तरफ देखकर कहता है कि ये क्या है गोक्तुक? गोक्तुक कहता है, अमीर हजरत ये सुल्तान ने भेजा है। सादतीन कहता है, सुल्तान ने किस लिए? गोक्तुक कहता है, सरदारी का चोगा और अर्तुल साहब के लिए तहाइफ है और अर्तुल साहब के अपने कबीले वापसी के तनाजुर में सुल्तान ने आपको कुनिया बुलाया है, लेकिन जाने से पहले सादतीन कहता है कि क्या जाने से पहले पहलियां मत बुझवाओ। मेरे जाने से पहले क्या? गोक्तुक कहता है, उन्होंने आपको सरदार आला की अलामत अर्तुल साहब के हवाले करने का हुक्म दिया, आपको बताते खुद इसका ऐलान सरदारान से करना होगा और अपने हाथों से इसे चोगा पहनाना होगा। सादतीन गुस्से में कहता है, अल्लाह की इस पर लानत हो अर्तुल और इसकी सरदारी दोनों पर, तौबा तौबा, मैं इस आदमी से छुटकारा नहीं हासिल कर सका और अब सोने पर सुहागा मुझे अपने हाथों से इसे चोगा पहनाना है। अजीम अमीर सादतीन को पैक एक अर्तुल से निमटने से कासिर है। गोक्तुक कहता है, मेरे लिए क्या हुक्म है अमीर हजरत? सादतीन कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हुक्म जारी हो चुका है, हमें तमाम अहकाम की तामील करनी है। इन्हें बता दो कि सरदार आला की तकरीब की तैयारी करें और फिर गिरगे के बाद हमारी कुनिया जाने की तैयारियां शुरू करो। इसके बाद अर्तुल ने जिरगा बुलाया होता है। जैसे ही अर्तुल आता है इसको सब खुशामदीद कहते हैं। अर्तुल कहता है कि मेरे सरदारान आप सबसे मिलकर खुशी हुई, मेरे सिपाहियों और मेरे जाल में फंसने के बाद वो गद्दार हर तरफ से हम पर हमला करते रहे, मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने काफिलों को लूटा और इन्होंने बाजार के काम को ऊपर नीचे कर दिया, इन्होंने हमारी रोटी हमारे काम और हमारे इस्तेहकाम पर अपनी नजरें जमा ली थी। जिस तरह लगड़ बग्गे लाश के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और हर तरफ से हमले कर रहे थे। इसके बाद सादतीन संदूक से चोगा निकालकर अर्तुल को पहनाता है।
अर्थुरुल भाई। इसके बाद सादतीन अर्थुरुल से कहता है कि ये आपके लिए खुशहाली लाए। अर्थुरुल सादतीन से कहता है कि खुशहाल होने के लिए सबसे पहले हमें अपने दरमियान गद्दारों का सफाया करना है। इसके बाद अर्थुरुल कहता है सांचार साहब को लेकर आओ, इसके बारे में हुक्म मैं अपने सरदारान के सामने जारी करूंगा। अर्थुरुल कहता है अपने दो सिपाहियों के साथ तुमने मेरे खिलाफ अपनी तलवार निकाली, क्या तुम्हें कुछ कहना है? सादतीन कहता है अर्थुरुल साहब हम यहाँ इत्तेहाद और अमन की खातिर इकट्ठे हुए हैं। सांचार साहब की गलती को इनका बचपना समझ लें, किसी को इस तरह परेशान करने से किसी का कोई भला नहीं होगा। अर्थुरुल कहता है सांचार साहब ने अपनी हद को पार किया है और वो इसकी कीमत चुकाएंगे अमीर सादतीन। अर्थुरुल कहता है अब मैं सुनना चाहूंगा कि सांचार साहब ने क्या कहना है। सांचार कहता है कि अर्थुरुल साहब आपने मेरे सरदार बाबा की हक तलफी की है और मैंने अपनी रिवायत की पासदारी करते हुए इसको अपना फर्ज समझा और जवाब दिया। चावदार के एक सरदार के तौर पर मैंने जो जरूरी था किया। अर्थुरुल कहता है कि तुम्हारे गुस्से और गुमान की कीमत तुम्हें दो सिपाहियों की जानों से चुकाना पड़ी। जब मैं तुम्हें अपने सामने शर्म महसूस करते हुए अपनी गलती का एतराफ करने की तवक्का करता हूँ, तुम अभी भी बगावत करके अपनी हद से ज्यादा बातें कर रहे हो। इसके बाद अर्थुरुल मजीद कहता है कि बहादुर तुर्क सरदारान, मुझे ऐसा चावदार सरदार यहाँ आबाद नहीं चाहिए जो हमारे बीच ना इत्तफाकी के बीच बोना चाहे। आज जो तलवार मेरे खिलाफ निकली है कल आपके सरों पर भी लहरा सकती है। सब सरदारान कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा, अर्थुरुल साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही। उनमें से एक सरदार कहता है कि आपको सरदार आला के खिलाफ बगावत का फैसला सुनाना चाहिए, इसे सजा देनी चाहिए। इसके बाद अर्थुरुल कहता है कि मैं आपको इन जमीनों से जिला वतन करता हूँ सांचार साहब, अपनी तलवार और घोड़ा लें और फौरन इन जमीनों को छोड़ दें। अगर ऐसा ना हुआ, अगर मैंने दोबारा आपको इन जमीनों पर देखा तो मैं आपकी जान लेने से कतराऊंगा नहीं, इसलिए खबरदार रहना। इसके बाद बहादुर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं आपको अपने बेटे को जिला वतन नहीं करने दूंगा। अगर आपको किसी की गलतियों से इस पर इल्जाम लगाना है तो एक नज़र अपने भाई दुमदार और अपने सरदारान पर भी डालें जो मुझे बाजार बेचने पर राजी हुए थे। अर्थुरुल कहता है मैंने कभी ना तो अपने भाई दुमदार को और ना अपने कबीले के सरदारान को इनकी गलत हरकत में बख्शा और ना ही कभी बख्शूंगा। सबसे पहले आप मेरी इताअत करेंगे, अगर आप मेरी इताअत करेंगे तो हम मिलकर इन जमीनों को अपने वतन की तरह महफूज बनाने के लिए लड़ेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो आपको और आपके कबीले को इन जमीनों से सांचार साहब की तरह जिला वतन कर दूंगा। बहादुर कहता है कि आपने मुझे अपने आबाओ अजदाद के कबीले से दूर रखने के लिए हमारे जिर्गे में भी दखल अंदाजी की, क्या ये है आपका इंसाफ? क्या ये है आपकी आला सरदारी? और आप बजाय ना इंसाफी के खिलाफ खड़े होने के आप जुल्म की तारीफ करते रहेंगे। आपको अपनी सरदारी पर शर्म आनी चाहिए। इसके बाद अर्थुरुल गुस्से से खड़ा हो जाता है। सादतीन बहादुर से कहता है कि बहुत हो गया, अपनी हद में रहें। अगर आप अपनी हद में ना रहे तो आपकी किस्मत का फैसला अर्थुरुल साहब की तलवार की नोक पर होगा। हमारे सबर का कभी गलत इस्तेमाल मत करें। अर्थुरुल साहब इन जमीनों के सरदार आला हैं। इन्हें सियासत, अमन, जंग, तिजारत और हिफाजत से मुतालिक फैसला सुनाने का हक है। इनकी बात रियासत की बात है, क्या आपको नहीं पता? सब सरदारान कहते हैं कि अमीर हजरत की ये बात बिल्कुल ठीक है। सादतीन मजीद कहता है कि अब यहाँ मौजूद तमाम सरदारान के साथ आप अर्थुरुल साहब की बैत करेंगे या फिर आप अपना कबीला लेकर इन सरजमीनों को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले असलहान खातून अर्थुरुल की बैत करती है और फिर बाकी सरदारान भी अर्थुरुल की बैत करते हैं। इसके बाद सब सरदारान के बाद बहादुर भी अर्थुरुल की बैत कर लेता है। दूसरी जानिब आरिस अपने कला में मौजूद कमांडरों से कहता है आज हम यहाँ कले के अंदर से बेहतरीन तीर अंदाजों के इंतखाब के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक आदमी बढ़कर हो, इसलिए आप मुसलसल काम करेंगे। वो दिन जब इस कले की दीवारें हमारे लिए बंद हो रही होंगी नजदीक है। जब वो दिन आया, अगर आपका निशाना खता गया, अगर आपने एक भी तुर्क को छोड़ा, इसकी कीमत आपकी सरजमीन होगी और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा।
हर वो सिपाही जो यहाँ इस सेब को निशाना बनाएगा मेरे हाथ में इस सोने से भरी थैली का मालिक होगा, और जिसका भी निशाना खता जाएगा तो फौरी इंसाफ होगा और यकीनन वो मेरे कहर से नहीं बच पाएंगे। जैसे ही आरिस ये बात करता है, एक निकाब पोश आदमी आरिस की थैली को तीर से निशाना लगाता है। आरिस कहता है कि इसे मेरे पास जिंदा लेकर आओ। इसके बाद वो निकाब पोश आदमी आरिस के सिपाहियों को चकमा देकर ऊपर की मंजिल पर चढ़ जाता है और आरिस के सिपाहियों पर बारी बारी हमला करता है, और वो आरिस के सामने जाकर बैठ जाता है। वो आरिस से कहता है कि आपके सिपाही लड़ना भूल गए हैं। आरिस कहता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो कहता है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आरिस। दूसरी तरफ सादातिन अर्तुल से कहता है, सुल्तान के हुक्म के मुताबिक इन सरजमीनों से मेरा काम खत्म अर्तुल साहब। आज अल्लाह के हुक्म से मैं कुनिया वापस जा रहा हूँ। आज के बाद याद रखें कि आप अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार होंगे। इंशाल्लाह आपके फैसले इन जमीनों पर बदकिस्मती नहीं लाएंगे, और मेरी बातों को हवा में मत उड़ाना। अर्तुल सादातिन से कहता है, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है अमीर सादातिन। इंशाल्लाह जब आप कुनिया पहुँचेंगे तो आप सुल्तान को जहर देने वालों और जिन्होंने मुझे मेरे सिपाहियों को जाल में फंसाया, इन दोनों को तलाश करने में बहुत जल्द अपनी महारतें दिखाएंगे। सादातिन कहता है कि क्या आपको इसमें कोई शक है? अर्तुल कहता है कि जब मैंने सुल्तान को जहर देते देखा और अपनी मुहिम के रास्ते में मुझे फंदे में फंसाया गया, मुझे लगा कि रियासत का निजाम गैर जिम्मेदारी से चलाया जा रहा है। सादातिन कहता है, आपके जाल में फंसने की वजह से आपके गुस्से ने न सिर्फ आपकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है, बल्कि आपके बहादुर दिल पर भी। आप दोस्त और दुश्मन में फर्क से कासिर हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी रियासत में इतनी ताकत है कि गद्दारों को कटहरे में ला सके। जब वक्त आया तो आपको ये इल्जाम लगाने पर शर्मिंदगी होगी, लेकिन इस वक्त भी मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। इस किस्त के आगाज में दुमदार ने जिरगा बुलाया होता है। दुमदार कहता है, हमने अपने अर्तुल साहब को मट्टी के हवाले कर दिया है। अब जितना जल्दी मुमकिन हो हमें अपने पांव पर खड़ा होने की जरूरत है, ताकि हमारा कबीला और सिपाही नजरअंदाज ना हो। सरदारी की खाली नशिस्त को पुर करना जरूरी है। सब लोग कहते हैं सही बात है, नया सरदार जल्द ही चुन लेना चाहिए, ये दुरुस्त कह रहे हैं। दुमदार कहता है, लिहाजा मैं सुलेमान शाह का बेटा दुमदार अर्तुल साहब के मकसद जो इन्होंने जहाँ छोड़ा को जारी रखने के लिए काई कबीले का नया सरदार मुंतखिब होने का तालिब हूँ। अल्लाह के हुक्म से इनका इंतकाम लेना मुझ पर वाजिब है, आप सब जान लें। इसके बाद एक सरदार कहता है, आखिर आप सुलेमान शाह के खेमे के आखिरी हैं जो सरदारी का दावा कर सकते हैं। इलावाजी अर्तुल साहब का मकसद इनके अपने खून में से किसी को जारी रखना चाहिए, ये मुनासिब है। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं। इसके बाद हाइमा खातून कहती है, अब अगर सरदारान इसको मुनासिब समझते हैं तो हमारी रिवायत के मुताबिक सरदारी का निशान सपुर्द कर देना चाहिए। सब लोग कहते हैं सच कह रही हैं, ठीक कहा। इसके बाद हाइमा खातून खड़ी होकर वो तलवार दुमदार के हवाले कर देती हैं। इसके बाद दुमदार कुरान पाक पर हल्फ देता है और कहता है, मैं इस कुरान पाक अपने झंडे और अपने आबाओ अजदाद की तलवार पर कसम खाता हूँ। कुरान पाक और अपने शानदार परचम की खातिर अगर मैं अपने दीन या आबाओ अजदाद की रिवायात से भटका, अगर मैंने अपने भाई के रस्ते को छोड़ा तो मैं अपनी तलवार की तेज धार से कट जाऊं। इसके बाद हाइमा खातून दुमदार के कदमों में बैठ जाती है और उसके हाथ को बोसा देती है। इसके बाद एक शख्स दूसरे आदमी से पूछता है, तो मुझे बताओ कि क्या अर्तुल ठीक है, क्या वो जिंदा बचेगा? दूसरा आदमी कहता है, इसके अंदर का गुस्सा इसे जिंदा रखेगा, फिक्र ना करो। पहले वाला आदमी कहता है, वहाँ असल में हुआ क्या था, मुझे सब कुछ बताओ, लेकिन याद रखना अगर तुमने वहाँ जरा भी सुराख छोड़ा इसकी कीमत हमें अपनी जानों से चुकानी पड़ेगी। दूसरा शख्स कहता है, कमांडर आरिस और इसके सिपाहियों ने डाकुओं के भेस में अर्तुल को जाल में फंसाया था, वो बहुत खून रेत लड़ाई थी, मैंने आरिस का चेहरा देखा था जब वो जख्मी हुआ था, वो वही था। पहला शख्स कहता है, यकीनन आरिस तुर्कों के साथ मुआहिदा तोड़े बगैर अर्तुल से छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन अर्तुल कैसे बच गया? दूसरा शख्स कहता है, इसके दो सिपाही इसे शदीद
शदीद जख्मी हालत में वहाँ से ले गए थे। मैं भी इनके पीछे चला गया। वो कह रहे थे, हजूर हम पहुँचने वाले हैं, हजूर हौसला करें, हजूर हौसला करें। अर्तुरुल के सिपाहियों ने अपनी जान अर्तुरुल के लिए कुर्बान कर दी और उन्होंने अपने हाथों से अर्तुरुल को मेरे सपुर्द कर दिया। पहला शख्स कहता, लेकिन तुमने लाश का मामला कैसे हल किया और इसके घर वाले और सिपाही कैसे इस पर कायल हो गए कि वो मर गया। पहला शख्स कहता है, मैंने अर्तुरुल की अंगूठी जिगर उतार ली और आरिस के एक आदमी को पहना दी, फिर मैंने इसको आग लगा दी। पहला शख्स कहता है, बहुत खूब, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं, इस बात का यकीन है तुम्हें? दूसरा शख्स कहता है, इत्मीनान रखें, सिर्फ हम दोनों सच्चाई जानते हैं। पहला शख्स कहता है, एंथोस हमने जबरदस्त काम किया है, अब हमारे हाथों में ऐसी ताकत आई है कि दोनों रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ करने की हमारे पास बहुत मजबूत सलाहियत है। एंथोस कहता है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? पहला शख्स कहता है, अगर हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें अर्तुरुल साहब को जिंदा रखना होगा, हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा इंसान की जरूरत है। आरिस मुर्दा अर्तुरुल से खौफ नहीं खाएगा बल्कि जिंदा अर्तुरुल से जो सांसें ले रहा हो इससे जरूर खौफ खाएगा। एंथोस कहता है, लिहाजा हम जितना सोना चाहेंगे वो हमें देगा, और सबसे बढ़कर तुमने आरिस को मारिया जैसी खूबसूरत कनीज दे दी। इसके बाद अगले सीन में वो दोनों अर्तुरुल के पास गार में जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि अर्तुरुल सांस ले रहा है। वो शख्स अर्तुरुल से कहता है, तुम्हारी नफरत तुम्हें जिंदा रखेगी, अपनी नफरत को जिंदा रखो ताकि तुम हमें अमीर बना सको। इसके बाद अर्तुरुल को होश आ जाता है। अर्तुरुल कहता है, तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से निकाला, या रब अपने इस लाचार बंदे की भी इस हैबतनाक सूरत हाल में मदद कर, मेरी मदद कर। अर्तुरुल ये बार बार पुकार रहा होता है। इसके बाद सादातीन के पास तुर्गुत आता है। सादातीन तुर्गुत से कहता है, सुल्तान ने तुम्हें क्या हुक्म दिया तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, इन्होंने मुझे ये पता लगाने का हुक्म दिया कि क्या हुआ है, और जब तक अर्तुरुल न मिल जाए मैं वापस न आऊं। सादातीन कहता है, तुम्हें पता चल गया कि क्या हुआ है? और दुमदार कहता है, सबसे पहले मुझे सरदार के इंतखाब के लिए जिरगा बुलाना है, अगर सब कुछ सही रहा तो हम मुत्तफिक हो सकते हैं बहादुर साहब। सादातीन कहता है, इसके बावजूद अब आप हाथ मिलाएं, हमें बतौर सरदार अपनी कारकर्दगी दिखाएं। इसके बाद बहादुर कहता है, अल्लाह ने चाहा तो आपके सरदार मुंतखब होने के बाद मैं आपसे हानली बाजार खरीदने का ख्वाहिशमंद हूँ, याद रखें जो भी कीमत हुई मैं आपको दूंगा। इसके बाद दुमदार और बहादुर साहब हाथ मिलाते हैं। दुमदार कहता है, अल्लाह ने चाहा तो जैसे ही मैं सरदार मुंतखब होऊंगा बाजार आपका हो जाएगा। सादातीन कहता है, इसमें बेहतरी हो सरदारान, अल्लाह आपके खालिस चेहरों को शर्मिंदा न होने दे। इसके बाद सादातीन बहादुर को कहता है, मैं कल आपको मिलने आऊंगा, जरूरी तैयारियां कर लें। बहादुर कहता है, अमीर हजरत आपको अपने मेहमान खाने में खुशामदीद कहना मेरे लिए एजाज है। सादातीन कहता है, मेहमान खाने में क्यों, मरकजी खेमे में क्यों नहीं? बहादुर कहता है, असलहान खातून हमें अपने कबीले में नहीं देखना चाहती अमीर हजरत, इसलिए हमें मेहमान खाने में ठहराया है। सादातीन कहता है, आप यहाँ मेरे हुक्म पर आबाद होने आए हैं, ये असलहान खातून कौन होती हैं? कल आप हमारे लिए एक शहाना दस्तरखान सजाएंगे और वो भी मरकजी खेमे में, और मैं आऊँगा, देखते हैं असलहान या कोई और क्या कर लेगा। इसके बाद आरिस अपने कला में मौजूद होता है। उसके कमांडर कहते हैं, जनाब हम भी इनके पीछे क्यों नहीं जाते, अर्तुरुल अकेला है, ये काम खत्म करना बहुत आसान होगा। आरिस कहता है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ है, हम मसाइल पर मजीद तवज्जो देकर खुद को अया करेंगे। अर्तुरुल शदीद जख्मी है, इसके अलावा वो महालीज और इसके आदमी जो इमदादी फौज मैंने भेजी है इससे नहीं निमट सकता, बल्कि सबसे अहम के मारिया ने मुझे बताया कि सिमको का अर्तुरुल को कहाँ भेजने का इरादा है। इसके बाद दूसरा कमांडर कहता है, महालीज और इसके आदमी अच्छे जंगजू हैं, अब तक इन्होंने बगैर किसी नुकसान के बहुत से आदमियों को मारा और काफिलों को लूटा। आरिस कहता है, महालीज मेरे पास अर्तुरुल का सर लाएगा। इसके बाद अर्तुरुल जमा मर्दी से महालीज और उसके साथियों का मुकाबला कर रहा होता है। इसके बाद अर्तुरुल लड़ते हुए महालीज की गर्दन में तलवार पैवस्त कर देता है। पैटो कहता है, अर्तुरुल साहब ये आपने क्या कर दिया, ये आदमी आपको जिंदा चाहिए था। इसके बाद महालीज का दूसरा सिपाही अर्तुरुल को पुकारता है, जहन्नुम में जाओ, कुछ भी जाने बगैर तुम मरने वाले हो। इसके बाद हाइमा खातून चावदार कबीले में असलहान खातून से मिलने जाती है, वहाँ पर सब लोग उनको खुशामदीद कहते हैं। असलहान
रेहान हाइमा को कहती है, मेरे कबीले में खुश आमदीद। हाइमा कहती है, तुमसे मिलकर खुशी हुई मेरी बच्ची। हाइमा असलेहान से कहती है, हमने तुम्हारे दिल का हाल सुना और फौरन चले आए मेरी बच्ची। असलेहान कहती है, अल्लाह आपसे राजी हो, मैं जानती थी कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। अब जबकि तुमने अर्तुल को ढूंढ भी लिया, अब यहाँ मजीद रुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुर्गुत कहता है, मैंने अर्तुल साहब को तो ढूंढ लिया, लेकिन जिन्होंने ये किया इनको ढूंढने से पहले। सादतीन बात काटते हुए कहता है, जिन्होंने ये किया वो यकीनन मिल जाएंगे। सलजूकी अमीर यहाँ मौजूद है, धुमदार साहब यहाँ है, तुम्हारी अफादियत यहाँ खत्म हो गई है, तुम्हारा फर्ज पूरा हो चुका है। तुर्गुत, हमारी फौज मुहिम पर है, अब तुम्हें मुहिम में शामिल होना है। कल पू फटते ही अपने सिपाहियों को लो और रवाना हो जाओ। यहाँ के मामलात के बारे में तुम फिक्र ना करो। इसके बाद अगले सीन में एंथोस अर्तुरुल के जख्मों पर मरहम लगाता हुआ नजर आता है। इसके बाद एंथोस अर्तुरुल का इलाज कर रहा होता है। अर्तुरुल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ। एंथोस कहता है, आप महफूज हाथों में हैं अर्तुरुल, खुद को जहमत मत दें, आप अभी बहुत कमजोर हैं। इसके बाद अर्तुरुल मुकम्मल तौर पर होश में आ जाता है और उठ बैठता है और खड़ा होने की कोशिश करता है। हुक्म कर दे तो काफी होगा, तो अल्लाह के हुक्म से कोई रोक नहीं सकता इसको। और वो सब लोग सादतीन पर हंसने लगते हैं। इसके बाद अर्तुरुल बाहर जाने लगता है और दुमदार कहता है, भाई मुझसे गलती हुई, क्या आप मुझे माफ कर देंगे, हर चीज की वजह मैं हूँ। अर्तुरुल गुस्से में कहता है, तुम अपनी हिमाकत के ताबे हो गए थे और जब हम इसको तस्लीम करना चाहते हैं तो तुम अपनी बुजदली के भी मुत्तई हो गए हो, तुम मुझसे किस बात की माफ़ी मांगते हो। दुमदार कहता है, भाई नहीं। अर्तुरुल उसकी बात काट देता है और कहता है, मुझे कभी अपना भाई मत कहना, मैं तुम्हारा और जो तुम्हारे साथ खड़े थे इन सबका हिसाब लूंगा। इसके बाद अर्तुरुल वहाँ से निकल जाता है। अर्तुरुल बाहर जाकर तुर्गुत को कहता है, फौरन चावदार कबीले जाओ और असलेहान खातून से कहो, जब भी बहादुर साहब का बकिया कबीला इन सरजमीनों पर पहुँचेगा तो फिर ही सरदारी के लिए जिरगा मुनाकिद होगा। कल मैं हानली बाजार में कबाइल के सरदारान का जिरगा बुलाऊंगा। असलेहान खातून को भी दावत है, कल के जिरगे में सांचार साहब के बारे में अपना फरमान दूंगा, जिन्होंने सरदार आला के खिलाफ तलवार निकाली। जिस तरह मैंने बात की इनकी तरफ जो की तू बात पहुंचा दो। तुर्गुत कहता है, आपका हुक्म सर। आंखों पर कमांडर आरिस कले में मौजूद होता है और अपने सिपाही योर्गो से कहता है, अर्तुरुल अकेला था तो वो गुलाम फरोश और तुमसे कैसे भाग गया। योर्गो कहता है, उसे बचाया गया। आरिस कहता है, किसने बचाया। योर्गो कहता है, मैं नहीं जानता वो कौन थे जनाब। आरिस उसको कहता है, लेकिन क्या, और योर्गो को पटक देता है। योर्गो कहता है, वो आम आदमी नहीं थे जनाब, वो बहुत माहिर थे। आरिस कहता है, वो माहिर जंगजू थे। क्या मतलब जंगजू। योर्गो कहता है, जनाब अर्तुरुल को जिन्होंने बचाया वो हमारे लिए अनजाने थे। आरिस कहता है, अर्तुरुल नहीं जानता था कि इस सब के पीछे मैं हूँ, मैं इसका बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करूँगा। इसके साथ हमारे मामलात अभी शुरू हुए हैं, मैं बाजार इसके हवाले नहीं करूँगा। निका से उस्ताद ताजिर रवाना हो चुका है, इसका नाम निको है, वो चंद दिनों में यहाँ होगा। मुझे बाजार के खात्मे के लिए इसकी मदद की जरूरत है, मुझे यहाँ इसकी खैर खैरियत से पहुँचने की जरूरत है, समझ गए ना तुम। अपने आदमी लेकर रवाना हो जाओ और उसे यहाँ बाहिफाजत लेकर आओ और छुप कर जाना, अपना चेहरा मत दिखाना। दूसरी जानिब अर्तुरुल अपने कबीला में वापस आता है। अर्तुरुल कबीले वालों से कहता है, काई के बहादुरों जंगजुओं, मैं जानता हूँ कि आप सबका दिल एक जख्म की तरह खून उगलता है, लेकिन गमगीन मत हो, हानली बाजार अभी भी काई की मलकियत है। सब लोग खुशी के मारे अर्तुरुल को बहुत सारी दुआएं देते हैं। इसके बाद अर्तुरुल दोबारा कहता है कि आप किस किस्म के काई सरदार हैं कि मुश्किलात से नजर मिलाने के बजाय आपने वापस हिजरत करने का फैसला किया जहाँ से हम आए थे। वो सरदार कहते हैं कि हमें माफ कर दें हजूर, हम समझते थे कि आप मर चुके हैं। अर्तुरुल कहता है, चाहे मैं मर भी जाता, मकसद को कभी नहीं मरना चाहिए था। ये मकसद अल्लाह का मकसद है, ना ये कदीम जमाने से शुरू है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए तो सहाबाए कराम मायूसी में डूब गए कि इन्होंने इन्हें खो दिया। तो फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कौन सी आयत की तिलावत की थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, इससे पहले बहुत से रसूल गुजरे, फिर क्या अगर वो मर जाए या मारा जाए तो तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे, और जो कोई उल्टे पाँव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और अल्लाह शुक्र गुजारों को सवाब देगा। वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे जिस पर इन्हें यकीन था। इन्होंने इंसाफ का परचम दुनिया के हर कोने में लहराया। और आप लोगों ने क्या किया, आपको पता होना चाहिए, काई सिर्फ सरदार अर्तुरुल के वजूद पर मुनहसिर नहीं है। जो अल्लाह के मकसद को गले लगाएगा वो मज़ाहिमत दिखाएगा, चाहे पूरी
कायनात उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपने ये मुजाहमत नहीं दिखाई। ये मेरा फरमान है, मैं दुमदार और इनकी हिमायत करने वाले सरदारान से सरदारी का ओहदा वापस लेता हूँ। इसके बाद असलहान खातून तुर्गुस से कहती है, वो इतने पागल कैसे हो सकते हैं? वो सरदार आला के खिलाफ कैसे तलवार निकाल सकते हैं? तुर्गुस कहता है, अर्तुल साहब कल हानली बाजार में जिरगे में सांचार साहब का फैसला सुनाएंगे। असलहान कहती है, सिपाही तुर्गुस, बहादुर साहब किसी फैसले को नहीं मानते, वो अपने बेटे की खातिर कुछ भी करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने कैसे बाबा और कबीले के खिलाफ बगावत की थी। आपने देखा कि इन्होंने कैसे अमीर सादातीन की हिमायत हासिल की और इन्होंने मेरे सरदारान को अपने साथ मिलाकर इन्हें जिरगा बुलाने के लिए कायल किया। तुर्गुस, मुझे अब नहीं पता कि इन्हें कैसे रोकूं। तुर्गुस कहता है कि अर्तुल साहब चाहते हैं कि आप जिरगा मुलतवी कर दें। असलहान कहती है कि इन्होंने सरदारान को अपने पीछे लगा लिया है, मैं इसको कैसे रोक सकती हूँ? तुर्गुस कहता है, अपने सरदारान को बताएं कि अर्तुल साहब का हुक्म है कि जब तक बहादुर साहब का बाकी कबीला यहाँ नहीं आ जाता, कोई जिरगा मुनाकिद नहीं होगा। जबकि वो गिर जाता है। एंथोस कहता है, आप खुद को जहमत मत दें, आप अभी बहुत कमजोर हैं। एंथोस कहता है, देखें मैंने आपके लिए यखनी बनाई है, चलें थोड़ी सी पी लें। अर्तुल कहता है, ये यखनी पीने का वक्त नहीं, मेरे सिपाही कहाँ हैं? तुम कौन हो? एंथोस कहता है, मुझे आप जख्मी हालत में मिले थे, मुझे अपना दोस्त समझें, चलें खाना खाएं ताकि आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सकें। अर्तुल उसे रोक देता है और कहता है, मेरी सेहत तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों है? एंथोस कहता है, ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये हर उस शख्स के लिए अहम है जो आपसे मोहब्बत करता है। अर्तुल, आपके प्यारे आपके मुंतजिर हैं। अर्तुल कहता है, क्या तुम्हें इनकी सूरत हाल का कुछ पता है? एंथोस कहता है, आप खुद पर बहुत जोर दे रहे हैं, अगर आप ऐसा करते रहे तो आप इनमें से किसी को नहीं मिल सकेंगे। देखें, आपको जो मालूम करना है मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना है। शाबाश, जिद मत करें, सेहतयाबी के लिए तमाम कोशिशें करें। सादातीन के पास कोकतूक आता है और कहता है, हम काराचायसार जाने के लिए तैयार हैं अमीर हजरत। सादातीन कहता है, आला चलो, अपने मुमकिन शराकत दार को मजीद इंतजार नहीं करवाते। गोकतुक कहता है, गुस्ताखी माफ अमीर हजरत, लेकिन मैं अभी भी ये समझ नहीं सका। सादातीन कहता है, अपनी आंखें खोलो गोकतुक, हमें क्यों बिला वजह यहाँ खामोशी से बैठकर ये देखना चाहिए कि दिन कैसे रात कैसे में बदलता है। हमें अपने मफादात के पीछे जाने की जरूरत है। देखो, हर साने के बाद एक नया दरवाजा कहीं ना कहीं खुलता है, जो इस दरवाजे को ढूंढ लेता है जीत इसी की होती है। हमारे लिए वो दरवाजा हानली बाजार का दरवाजा है। किस्मत का पहिया एक बार फिर हमारे हक में घूमेगा। और हाँ, बहादुर साहब की क्या उनकी कोई खबर आई? गोकतुक कहता है, वो रास्ते में है जनाब, उन्हें यहाँ पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सादातीन कहता है, बहादुर साहब हमारे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि अब अगर पूरी दुनिया भी हम पर चढ़ आए तो हमें कोई परवाह नहीं। इसके अलावा खुद को ऐसे तकलीफ मत दें, आपने ये फैसला अपने बाकी बच्चों को इकट्ठा रखने के लिए किया था। हाइमा कहती है, मेरी बच्ची, अगर बाजार पहले ही फरोख्त हो गया हुआ तो हम किस तरह अर्तुल का सामना करेंगे और दार वो क्या करेगा? हलीमा कहती है, मेरी प्यारी अम्मी जान, अपनी परेशानियों को हवा में उड़ा दें, आप देखना कि अर्तुल साहब बाजार फरोख्त होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। हाइमा कहती है, मेरी बच्ची, मैं अपने बारे में परेशान नहीं हूँ, बल्कि दुमदार के लिए हूँ, मैं सिर्फ इसके लिए फिक्रमंद हूँ, मुझे डर है कि अर्तुल इसको माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ सादातीन कहता है, दुमदार साहब इस मुआहदे पर दस्तखत करके बहादुर साहब ताजिरों को जमानत देने के पाबंद होंगे जो पहले अर्तुल साहब ने दी थी, और गवर्नर आरिस तजर्बाकार ताजिर मुहैया करेंगे जो इनके साथ इनकी मदद करेंगे। ये दोनों हानली बाजार को फैलाने के लिए मिलकर काम करेंगे, इस कारोबार से हर एक को मुनाफा होगा। बहादुर कहता है, मैं अर्तुल साहब को दिया हुआ वादा पूरा करता हूँ। आरिस कहता है, मैं अर्तुल साहब को दिया हुआ वादा पूरा करता रहूँगा। इस ताजिर को हानली बाजार में ला कर मैं यूनानी ताजिरों को उनकी जगहों पर दोबारा तिजारत करने पर आमादा करूँगा। इसके बाद बहादुर अपने सिपाहियों को सोने का संदूक लाने का कहता है। दुमदार सोने का संदूक देखकर खुश हो जाता है। आरिस कहता है, चलें इस मुआहदे को मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले बहादुर अपनी मोहर कागजों पर जब्त करता है। इसके बाद दुमदार भी अपनी मोहर जब्त करने के लिए उठाता है और उसे कागजों पर जब्त कर देता है। इसके बाद दूसरे कागजात लाए जाते हैं, उस पर भी बहादुर पहले मोहर जब्त करता है। इसके बाद दुमदार की बारी होती है। इसके बाद दुमदार अर्तुल की सोच में पड़ जाता है, जिसमे अर्तुल कह रहा होता है की हम यहाँ इस्लामी
कवानीन लागू करेंगे। हमेशा रहने वाली जात अल्लाह की है। पहली आजान के बाद हम इसको एक बाइज्जत कारवां सराय में बदल देंगे। लोगों को इतला दे दो, इन्हें किसी खौफ की जरूरत नहीं, जुल्म का खात्मा होगा। इन सोचों से बाहर आकर दुमदार मोहर जब्त कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुल भी हानि बाजार में पहुँच जाता है। सब लोग कहते हैं अर्तुल साहब आ गए, अर्तुल साहब आ गए। सब लोग खुशी के मारे अर्तुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। जैसे ही दुमदार अपनी मोहर कागजों पर जब्त करता है, सादतीन कहता है ये फरोख्त हमारे लिए खुशहाली लाए, ये फरोख्त हमारे अमन को बहाल करके हमारी तिजारत में बरकत लाए, ये लें बहादुर साहब, ये आपके लिए अच्छा हो। बहादुर कहता है ये हम सब के लिए फायदा मंद हो अमीर हजरत। इतने में अर्तुल भी अंदर पहुँच जाता है। जैसे ही अर्तुल अंदर आता है, सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और खौफ के मारे खड़े हो जाते हैं। दुमदार कहता है भाई, सादतीन कहता है अर्तुल। इतने में आरतुक और बमसी वगैरह तमाम सिपाही वहां आ जाते हैं और इन सबको घेर लेते हैं। दुमदार बाहर खिसकने की कोशिश करता है, जिसे बमसी रोक लेता है। सादतीन कहता है अर्तुल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप यहां हमारे दरमियान वापस आ गए, ये कैसे मुमकिन हुआ। अर्तुल कहता है शायद मेरी किस्मत में अपने दुश्मनों की जिंदगियों को असलहान को इस ओहदे से हटाने वाले जानदार का भाई बहादुर साहब है। बहादुर मेरे लिए असलहान से शादी करने का मौका निकालेगा और वो मेरे लिए चावदार कबीले का दरवाजा खोलेगा। अगले सीन में बहादुर कहता है सुल्तान अलाउद्दीन की फौज के साथ मिलकर हम दुश्मन को नाकों चने चबवा देंगे, हम अपने चावदार जवानों की बहादुरी पूरी दुनिया को दिखा देंगे। हमारा कबीला हमारे पीछे मजबूती से खड़ा है और मेरे भाई का कबीला हमारे सामने है। अब दोनों की सरदारी का दावा करने का वक्त आ गया, नए हमले और नया माले गनीमत हमारा मुंतजिर है। इसके बाद कारा तुंगा बहादुर पर तीर से हमला करने की कोशिश करता है और उसे बहादुर का बेटा पकड़ लेता है और अपने बाप के सामने पेश करता है। बहादुर कहता है कारा तुंगा तुम मेरे कबीले के सरदारान में से थे, तुम मेरी बीवी काराचा के भाई थे, मैंने कभी भी तुम्हें अपने बेटे सांजार से अलग नहीं समझा, लेकिन तुम मेरी बीवी को मुझे कत्ल करने के लिए उकसाना चाहते थे और तुम्हारी सरदारी में तुम्हारी मदद के लिए है। कारा तुंगा अपनी बहन से कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने ही भाई पर अपने ही खून और गोश्त का इल्जाम लगा दिया। कारा तुंगा की बहन कहती है मेरी जान, मेरा खून, मेरी जिंदगी अब बहादुर साहब है, मेरा तुम्हारे जैसा भाई नहीं हो सकता। इसके बाद बहादुर की बीवी बहादुर से कहती है इस गद्दार का सर काटने का शर्फ आपका है। बहादुर कहता है जो कोई मेरी अताअत से इनकार करेगा और मेरी सरदारी के खिलाफ बगावत करेगा इसकी कीमत इसका सर होगा। इसके बाद बहादुर कारा तुंगा का सर उतार देता है। इसके बाद बहादुर की बीवी उसके हाथ धुलाते हुए कहती है सिर्फ अपना भाई ही नहीं बल्कि मैं अपनी जिंदगी भी आप पर कुर्बान कर दूंगी हजूर, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। बहादुर कहता है जब तक मेरा बहादुर बेटा और मेरे बहादुर सिपाही मेरे साथ हैं, कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। बहादुर का बेटा कहता है बाबा हम चावदार कबीले के करीब पहुँच गए हैं। बहादुर कहता है ये चावदार कबीला मेरे आबाव अजदाद है और मेरे भाई जानदार का कबीला है, इसके बाद अब ये मेरा कबीला भी बन जाएगा। हमारे पीछे अजीम अमीर सादतीन है, अब इन जमीनों पर हमारी हुक्मरानी का वक्त है। अगले सीन में अर्तुल की तबीयत कुछ संभल जाती है और वो खड़ा हो जाता है। अगले सीन में गवर्नर आरिस कहता है अर्तुल की मौत के बाद काराचायसार का माहौल बदल गया है। वो अपने सिपाही से पूछता है काई क्या कर रहे हैं। सिपाही जवाब देता है वो अभी तक अर्तुल की मौत के गम से नहीं निकल पा रहे जनाब, मुमकिन है कि वो इतनी आसानी से नहीं संभलेंगे। आरिस कहता है कि अगर इन्हें पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो वो इन दिनों को नेमत समझेंगे। सिपाही आरिस से कहता है जनाब हम हाली बाजार को हासिल करने के लिए कब कार्रवाई करेंगे। आरिस कहता है कि बहुत जल्द, क्या तुमने डाकुओं के सरदार मिहाली को खबर भेज दी। सिपाही कहता है भेज दी जनाब। आरिस कहता है इसने काफिलों को लूटने का बहुत याद किया होगा, इस खबर से वो बहुत खुश होगा। इसके बाद अमीर सादतीन आरिस से मिलने काराचायसार कले में आ जाता है। आरिस सादतीन को खुश आमदीद कहता है। आरिस सादतीन से कहता है हमने आपकी आमद के एजाज में ज़ियाफ़त का इंतजाम किया है। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। अर्तुल हानली बाजार को फरोख्त होने से बचाने के लिए तेजी से घोड़े दौड़ाता हुआ जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ सादतीन, दुमदार और बहादुर साहब हानली बाजार में आरिस का इंतजार कर रहे होते हैं। सादतीन गोकतुक को बुलाता है और कहता है आरिस ने इतनी देर क्यों कर दी है। गोकतुक कहता है जब इसे बाजार फरोख्त होने का इतना शौक था तो ये अच्छा शगुन नहीं कि वो अभी तक नहीं पहुँचा अमीर हजरत। इतने में आरिस भी वहाँ आ जाता है। सादतीन कहता है हम आपका कब से इंतजार कर रहे
रहे थे गवर्नर आरिस। आरिस कहता है, मैं आपको इंतजार नहीं करवाना चाहता था, मगर मुझे कुछ जरूरी काम था, मुझे फौरी तौर पर निकलना है, इसलिए इस काम को जल्दी से निपटा दें। सादातीन कहता है, क्या जल्दी है आरिस, आप मुझे काफी उलझन में लगते हैं, ऐसा लगता है कि आपने कोई भूत देख लिया है। इतने में गोकतुक वहाँ आता है और कहता है, अमीर हजरत मुआहदे तैयार हैं। सादातीन कहता है, आला चूँकि गवर्नर आरिस को ज्यादा जल्दी है, हम दोनों की बतौर गवाहान मौजूदगी में इस मामले को खत्म करते हैं। इसके बाद गोकतुक बहादुर और दुमदार के सामने मुआहदे रख देता है। दूसरी तरफ हाइमा और हलीमा सुल्तान खेमा में मौजूद होती है। हाइमा कहती है, मेरा अर्तुरुल, मेरा शेर दिल, जब हम सोच रहे थे कि वो सिया मट्टी में दफन है, इसके बजाय वो बहुत दूर मुसीबत सह रहा था, हम इसके ख्वाबों और उम्मीदों को तबाह कर रहे थे, जबकि इसी दौरान मेरा बहादुर गद्दारों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। हलीमा कहती है, देखिए अब परेशान मत हो, मेरे शौहर वापस आ चुके हैं, आपका बेटा खैर खैरियत से वापस आ चुका है, उसे बात करने कल आऊंगा, अब आप जा सकते हैं। इसके बाद आरिस वहाँ से निकल जाता है। अर्तुरुल कहता है, जहाँ तक आपकी बात है बहादुर साहब, कल मैं हानली बाजार में सरदारों का जिरगा बुलाऊंगा, मैं आपके बेटे से पूछगछ करूंगा कि वो सरदारे आला के खिलाफ कैसे तलवार निकाल सकता है। आपके कबीले से मुतालिक जिरगे में मैं भी अपना फैसला सुनाऊंगा। बहादुर कहता है, मेरे कबीले के मुतालिक कोई भी फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूँ अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल कहता है, इस सूरत में आपके मुतालिक मेरा फैसला फिर मेरी तलवार की नोक पर होगा बहादुर साहब, अब आप भी जा सकते हैं। इतने में तुर्गुत कहता है, बहादुर साहब अपने सोने के सिक्के तो लेते जाएं। बहादुर अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों संदूक उठा लो। दूसरी जानिब आरिस कहता है, घोड़ा लेकर आओ। आरिस घोड़े पर बैठकर कहता है, लानती तुर्को, खुदा करे तुम बस एक दूसरे को मार दो, ताकि हम सबको तुमसे छुटकारा मिल सके, और कल मैं तुम सबको खत्म तो करने वाला ही हूँ। इसके बाद आरिस वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अर्तुरुल सादातीन से कहता है, बाजार में अमन अमान क्यों बिगड़ा सादातीन साहब, आपने एहतियाती तदाबीर क्यों अख्तियार ना की, आपने डाकुओं के खिलाफ ताजिरों को अमान क्यों नहीं दी जिन्होंने इन पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। सादातीन कहता है, जो कुछ हुआ क्या आप इसका जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल कहता है, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया और मेरे सिपाहियों को मारा, आप इनका पता न लगा पाए, आप तुर्क कबाइल को गफलत में गिरने से न रोक पाए। सादातीन कहता है, एक वक्त तक सिपाही कई दिनों तक इन गुनाहगार किरदारों को दूर रखने की कोशिश करते रहे, जिनको हमने लोकास भेस बदल कर जंगल में अपने कत्ल शुदा साथियों को देखता है। लोकास को कत्ल शुदा आदमियों में से एक जख्मी भी नजर आता है। लोकास अपने जख्मी साथी से कहता है, अर्तुरुल कहाँ है। वो आदमी कहता है कि वो हमारे हाथों से निकल गया। लोकास उससे कहता है, ये एक अकेला जख्मी आदमी कैसे कर सकता है। जख्मी कहता है, वो अकेला नहीं था, उसने गुलामों की फौज बना ली थी। लोकास कहता है, वो किस तरफ गए हैं। जख्मी कहता है, सिमको ने इन्हें पकड़ लिया था। लोकास कहता है, किस तरफ गए हैं वो। जख्मी कहता है, इस तरफ। लोकास अपने साथियों से कहता है, जल्दी करो, चलो चलते हैं। लोकास का जख्मी साथी कहता है, बराए मेहरबानी मुझे पीछे मत छोड़ो, मुझे भी ले जाओ, मुझे पीछे मत छोड़ो। लोकास उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सांजार और तुर्गुत आपस में लड़ रहे होते हैं। इसके बाद सांजार अपनी तलवार निकाल लेता है। इतने में असलेहान और बहादुर भी बाहर निकल आते हैं। असलेहान कहती है, बस करो तुर्गुत, सांजार साहब। बहादुर कहता है, कैसी बदतमीजी है ये, और तुम लोग खड़े होकर यहाँ क्या देख रहे हो, तुमने इस सिप्पा सालार को रोका क्यों नहीं। तुर्गुत का साथी कहता है, सांजार साहब ने हमारे सिप्पा सालार को मुक्का मारा, जिनके शाना बशाना हम लड़े और उनके साथ बदतमीजी से पेश आए। सब लोग कहते हैं, हाँ ये सच कह रहा है, लड़ाई इन्होंने शुरू की, लड़ाई शुरू करने वाले ये हैं, हम इस लड़ाई में नहीं पड़ना।